Hey guys, welcome back to PK Makeup Studio channel. So, hi, this is Jinaya Khan और आज वलीमा का शूट है और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज जो कशिश ने मुझे प्रॉमिस किया कुछ अलग लुक देगी हमेशा की तरह और कशिश आई फील लाइक मैं काफ़ी सालों से जानती हूँ और आई डोंट नो लाइक दिस इज विल बी माई लास्ट शूट. मतलब मैं शादी में आई थी तो सूरत से यहाँ आई है शादी के लिए मेरे स्पेशली और आप लोग बहुत सारा प्यार दिए हो मुझे इतने सालों तक. मैं चाहती हूँ कि आप लोग कशिश में भी वैसे ही प्यार दो और आपका भी शादी का दिन आता है. मतलब हर लड़की का दिन आता है, ऐसा बहुत स्पेशल डे होता है. तो अगर आपको चाहते हो कि आप कुछ अलग दिखो तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट टू हर, ठीक है. और मेरा डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है इंस्टाग्राम का, आप मुझे जाके डीएम कर सकते हो इफ़ यू वांट लाइक मी कि मुझसे बात करनी हो आपको. और देखते हैं आज का शूट कैसा होगा, कैसा बेस होगा, कैसा मेकअप होगा. आई नो, आई मीन कल का बेस तो बहुत अमेजिंग था मेरा शादी का, आज वलीमा का है. लुक एट माई आउटफिट, ठीक है. एंड मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ. कशिश क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ जादू करती है मेरे फेस पे, आज कुछ अलग करेगी उसने बोला है मुझे. आई एम क्वाइट एक्साइटेड. कशिश कम्या, आज क्या करेंगे हम? आज बहुत अमेजिंग मेकअप सिखाने वाली हूँ. वेरी सटल मेकअप लुक और एक बहुत ही अमेजिंग सा लाइनर मैं सिखाने वाली हूँ सब लोगों को. बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत बिजी भी हूँ, बहुत टायर्ड भी हूँ, पर बहुत मजा आ रहा है. स्पेशली मेरे लिए आई है यार सूरत से मुंबई के लिए. प्लीज़ 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 जाके सब्सक्राइब करो इसके चैनल पे और ऐसे ही हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे शूट. मैं भी आती रहूँगी सूरत, ये भी आते रहेंगे मुंबई. स्टे ट्यून गाइस. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, ये जो मेकअप है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा चैलेंज था एंड ये जो दिन है ना वो मुझे हमेशा याद रहने वाला है, हमेशा हमेशा हमेशा. उस दिन ऐसा कुछ हुआ था जो शनाया भी नहीं जानती है एंड मैंने सोचा मैं आप लोगों से इस वीडियो में वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताऊँगी कि उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था. हम पहले मेकअप सीख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ऐसा क्या हुआ था. सो मेकअप करते करते ही मैं आपको बताती हूँ. सो यहाँ पे मैं यूज़ करी हूँ अर्बन डिके का क्विक फिक्स. उस दिन क्या हुआ उसकी भी बातें करते रहते हैं साथ साथ में और ये भी हम मेकअप भी सीखते हैं. सो यहाँ पे मैं यूज़ करी हूँ फेरारुशी का पोर प्राइमर है ये. अगर किसी को बहुत ज़्यादा पोर्स है तो आप ये फेरारुशी का प्राइमर लगा सकते हो. नेक्स्ट ये करने के बाद मैं PEC का कंसीलर यूज़ करने वाली हूँ. तो उस दिन क्या हुआ ना, जब मैं सूरत से मुंबई ट्रैवल कर रही थी एंड गाइस गेस व्हाट, मेरा वैनिटी जो मेकअप वैनिटी था वो हो गया चोरी. ठीक है, अब वो हो गया चोरी एंड शनाया का वेडिंग मेकअप था, लाइक निकाह मेकअप एंड वलीमा मेकअप दोनों था मेरे पास. एंड ऐसे एंड मोमेंट पे मतलब मैं किसी से कहाँ से मैं प्रोडक्ट परचेस करूँ सारा कुछ नहीं था, बट मेरे पास सेफर साइड पे मेरा एक सेल्फ मेकअप का बैग था जो मेरे पास हमेशा होता है. सो ये जो पूरा मेकअप मैंने किया है ना वो पूरा सेल्फ मेकअप, जो मेरे प्रोडक्ट है ना, जो मेरे बैग में मेरे प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उन प्रोडक्ट से मैंने ये पूरा मेकअप किया हुआ है. सो ऐसे प्रोडक्ट्स जो डेली बेसिस में मैं यूज़ करती हूँ ना, ये वही प्रोडक्ट्स है. एंड और क्या बोलूँ मैं, क्या दिन था यार वो, चलो छोड़ो जान दो. ओके, सो कंसीलर लगाने के बाद यहाँ पे मैं हुडा ब्यूटी का एक फाउंडेशन शेड यूज़ कर रही हूँ जिसका शेड है, तो मैंने थोड़ा सा फेयर मेकअप किया था शनाया को वलीमा वाले दिन बिकॉज शी थॉट कि यार ऑलरेडी हमने निकाह में थोड़ा सा न्यूट्रल रख दिया था तो प्लीज़ हम एक काम करते हैं वलीमा में हम थोड़ा सा फेयर रखते हैं. सो मैंने थोड़ा फेयर रखा. यहाँ पर मैं नेक्स्ट यूज़ कर रही हूँ टार्ट का कंसीलर है जिसका शेड है फेयर एंड आई डोंट नो उस दिन पता नहीं कैसे मेरा जो सेल्फ मेकअप का बैग था ना उसके अंदर एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ये हुई थी कि शनाया को जो लिप शेड चाहिए था ना वो नहीं था, तो मैंने कैसे लिप शेड क्रिएट किया ना वो भी मैं आपको बताऊंगी. यहाँ पर मैं नेक्स्ट यूज़ कर रही हूँ एल्फ का कंसीलर जिसका शेड है रिच कोको एंड ये जो कंसीलर है ना उससे मैं आई मेकअप भी कभी कभी कर देती हूँ क्योंकि मुझे लिक्विड आई मेकअप पसंद है, लिक्विड आई शेडोज पसंद है. सो इससे मैं आई मेकअप भी कर लेती हूँ और इस वजह से ये मेरे सेल्फ मेकअप के बैग में रखा हुआ था. एंड ये जो ब्रशेज मैं यूज़ कर रही हूँ वो मेरी दोस्त के है सिमिन के, विच शी इज़ ऑल्सो मेकअप आर्टिस्ट. सो उसके मैं ब्रशेज यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एंड शी हेल्प मी अलॉट, बहुत उसने मुझे हेल्प की. एंड यू नो वैनिटी मेकअप चोरी हो जाना, वैनिटी मेकअप बैग चोरी हो जाना बहुत बड़ी चीज़ होती है गाइस, बिकॉज इतनी सारी चीज़ें थी उसके अंदर, आई कांट इवन टेल यू गाइस. सो कॉन्टोर इज़ डन. नेक्स्ट यहाँ पे मैं आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ. जो हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन था वही फाउंडेशन मैं एज अ आई बेस यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे.
एंड उसके बाद मैं बहुत ही सटल सा मेकअप करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे सेल्फ मेकअप बैग में एक दैट ब्राउन वाला पैलेट था जो सिर्फ मैंने सिंगल शेड लगाया था, एंड शनाया वाज लाइक कि मुझे बिल्कुल न्यूड आई मेकअप चाहिए, जस्ट आई डोंट वांट ग्लिटर बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने काफ़ी टाइम ग्लिटर कर दिया है. तो मैंने सिर्फ एक पीच कलर का आई शेडो उनके पूरे आई लीड पर लगाया है और उसे ब्लेंड कर दिया है. सेम दूसरी साइड भी मैं यही पीच कलर का आई शेडो लगा के मैं ब्लेंड करूँगी. सो मुझे नहीं लगता आप लोगों ने ऐसा इंसिडेंट कभी सुना होगा कि यार मतलब आप ब्राइड करने जाओ, इतनी इंपॉर्टेंट ब्राइड करने जाओ और ऐसा कुछ हो जाए. लेकिन इन दी एंड शनाया लव द मेकअप एंड दैट इज़ एवरीथिंग टू मी. जब मेरी क्लाइंट को पसंद आ गया मेकअप, उससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए. नेक्स्ट यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का लूज पाउडर जिसका शेड है पाउंड केक, और मैं ये लूज पाउडर कभी कभी फाउंडेशन में मिक्स करके यूज़ करती हूँ, इस वजह से ये मेरे पास रह गया था बाई लक, एंड थैंक गॉड ये था मेरे पास. यहाँ पर मैं नेक्स्ट यूज़ करी हूँ कलबा का लाइनर, जो कि भाई ये तो मेरे नॉर्मल बैग में भी होता है और सेल्फ मेकअप वाले बैग में भी होता है बिकॉज दिस इज़ माई फेवरेट थिंग. सो मैं एक विंग लाइनर क्रिएट कर रही हूँ, प्रॉपर जो होता है ना विंग लाइनर वो, एंड उसके साथ ही साथ एकदम पॉइंटेड आगे से भी वी विंग लाइनर क्रिएट कर रही हूँ. सेम दूसरी तरफ भी हम यही कर रहे हैं. एंड अच्छा, आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है कि कभी ऑर्डर पे गए और कोई चीज़ भूल गए? अगर हुआ है तो प्लीज़ बताओ, मेरे साथ भी शेयर करो यार, थोड़ा सा दुखड़ा. आई कैन टेल यू मेरा क्या मतलब. ठीक है, यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का मस्कारा विच आई यूज़, दिस इज़ द येलो वन. मेबलिन मस्कारा इज़ डन. नेक्स्ट गाइस ट्रस्ट मी, यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लिटर ग्लू आई लैशेज को स्टिक करने के लिए, बिकॉज आई डोंट हैव ग्लिटर ग्लू फॉर द आई लैशेज, सॉरी आई डोंट हैव द लैश ग्लू फॉर द लैशेज. सो मैंने ग्लिटर ग्लू लगाया है और सिर्फ हैक सुनो, मतलब ऐसा होता है कभी कभी हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, तो मैंने क्या किया, मेरा ग्लिटर ग्लू लगाया है और उसे सेमी ड्राई होने के लिए मैंने वहाँ पर रखा हुआ कि वो सेमी ड्राई हो जाए, उसके बाद मैं इसके ऊपर लैशेज लगा लूँगी. सो उसको मैं सेमी ड्राई होने दे रही हूँ, तब तक मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मेरा फेस सीक्रेट का हाई लाइट और बहुत छोटा और उसके अंदर सारे शेड्स हैं तो मुझे पसंद है, और यहाँ पर मैंने लैशेस स्टिक कर दिए. तो हम इस तरह की चीज़ें हमारे साथ होती है और हमें हर सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए, ऐसा मैं समझती हूँ कि आना चाहिए सीरियसली. सो यहाँ पर मैं थोड़ा सा सिल्वर पिगमेंट यूज़ कर रही हूँ, यू नो आईब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए, और थोड़ा सा मैंने फेस पे भी यूज़ किया, एकदम यू नो चकास लगे हमारी ब्राइड. नेक्स्ट यहाँ पे भी एक हैक मैंने किया, एक्चुअली आई डोंट हैव द वाइट काजल, सो व्हाट आई हैव डन, मेरे पास एक कंसीलर था जो जो मैंने टार्ट का यूज़ किया ना, वही कंसीलर मैंने लिया, उसको थोड़ा सा ड्राई होने दिया और उसको मैंने आईज़ में अप्लाई कर दिया एंड इट टर्नड इनटू अ न्यूड काजल. सो या हाउ इट वर्क्स. नेक्स्ट यहाँ पे मैं मेरे पास लिपस्टिक नहीं थी तो मैं एक लिपस्टिक का शेड मैंने लगाया, उसके बाद मैं उसे आई शेडो से कलर टोन दे रही हूँ. शनाया वांट्स अ मरून, यू नो बॉर्डर उनको मरून चाहिए थे और अंदर उनको रेड लिपस्टिक चाहिए थी. दिस इज़ मैंने ये लुक किस तरह से किया, उसका मैंने सीक्रेट आपको रिवील कर दिया है. आई होप आपको पसंद आया होगा, एंड ऐसे सिचुएशन होते हैं कभी कभी, तो मुझे ज़रूर शेयर करिएगा कि अगर आपके साथ कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो. एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.